अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ज़ैद तारिक और आप देख रहे हैं कराची मार्केट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ ट्रेड सेंटर में। यहाँ पे इस शॉप का मैं आपके साथ पहले भी विजिट करवा चुका हूँ। शॉप का नाम है न्यू टेक लैपटॉप के नाम से शॉप है। शॉप नंबर क्या है? जी 38 शॉप नंबर है। अभी हम आपको लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और कौन सी कंपनी के लैपटॉप है सब चीज़ें हम आपको फुल डिटेल वीडियो आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए। नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे साथ शाकिर भाई और नुमान भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो नुमान भाई, आप बताएं आपके लैपटॉप की शॉप है, आप अपनी शॉप का पहले एड्रेस समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। भाई, लैपटॉप का जो हमारी शॉप का एड्रेस है वो है सदर में रीगल चौक है। रीगल चौक में ये मार्केट का नाम है हमारी रीगल ट्रेड स्क्वायर। यहाँ पर शॉप है हमारी G38। शॉप नंबर है हमारा न्यू टेक लैपटॉप की हमारी शॉप का नाम। तो ये हमारा एड्रेस है। सही। तो नुमान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को कौन सा लैपटॉप दिखाना चाहेंगे? भाई देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये डेल में टेबल पर रखा हुआ, ये देखेंगे आप Core i3 है। ये Core i3 का लैपटॉप है। ये फर्स्ट जनरेशन जो है इसका प्रोसेसर है Core i3 फर्स्ट जनरेशन है। 4GB इसके अंदर रैम है। 4GB रैम हो गई। हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर वो 256GB है। सही, हार्ड डिस्क 256GB। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी जो प्राइस है ये आपको पड़ेगा 18,000 का। सही, 18,000 जी। और इसकी स्क्रीन साइज़ जो है वो 15.6 है, बड़े डिस्प्ले के अंदर है। सही, स्क्रीन साइज 15.6 है, बड़े डिस्प्ले में। बैटरी वगैरह भी इसकी जो है वो 9 सेल। और बैटरी बैकअप क्या है? बैटरी बैकअप इसका 2 से 2.5 घंटे इजीली आ जाता है। 2 से 2.5 घंटे बैटरी के अंदर अच्छी होती है। चार्जर वगैरह ओरिजिनल होता है। सही। तो दूसरे कौन सा लैपटॉप दिखा? दूसरे इसके अलावा देखिए, ये कॉम्पैक्ट का रखा हुआ है जो शाकिर भाई के पीछे इस तरफ है। देखिए ये ग्लॉसी में कहलाता है। ये ग्लॉसी में लैपटॉप कहलाता है। ठीक है, ये भी Core i5 है। 4GB रैम है, 250GB हार्ड डिस्क है। 4GB रैम है, 250GB हार्ड डिस्क है। इसके आप प्राइस क्या बोलिए? ये आपको पड़ेगा अपना 19,000 रुपये का। 19,000 रुपये का पड़ेगा। बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। डिस्प्ले स्क्रीन है 14.5 इंच का डिस्प्ले। सही, 14.5 इंच का इसका डिस्प्ले। इसके बाद इसके 15.6 में मेरे पास ये सेल्फी मशीन पड़ेगी। 15.6 में ये 4GB रैम है, 250GB हार्ड डिस्क है। 4GB रैम है, 400GB हार्ड डिस्क। 4GB रैम है, 250GB हार्ड डिस्क है, 15.6 है। और ये ग्लॉसी में कहलाता है। ये भी ये आपको पड़ेगी 28,000 रुपये की। इसके बाद ये 17 इंच में डिस्प्ले है। ये 17 में आ गया। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बड़ा लैपटॉप चाहिए 17 इंच। तो हम 17 इंच में ये करेंगे रखा हुआ हमारे पास। इसके प्राइस आप क्या बोल रहे हैं? 17 इंच में ये आपको पड़ेगा 32,000 का। ये Core i5 है, सेकंड जनरेशन, 17 इंच इसका डिस्प्ले। सही, 4GB 250GB बैटरी बैकअप 2 से 2.5 घंटा इसका वीडियो पर आराम से मिल जाएगा। सही, बैटरी बैकअप है 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटा आपको आराम से मिल जाएगी वीडियोज़ के ऊपर। और ये मशीन 17 इंच पे फुल फैंसी मशीन। अगर जैसे डब्बा पैक लेने जाते हैं, जनरेशन सेकंड जनरेशन है। अगर ये डब्बा पैक लेने जाते हैं तो कम से कम आपको ये 50 से ऊपर की मशीन मिल जाएगी। और हमारे पास इसलिए क्योंकि हमारा बाहर से माल आता है। हाँ, हमारे भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वो सस्ते में हम लोग को वहाँ से बेचते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसी बात है जी, अपने पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए, अपना फ़ायदा होना चाहिए, अपने लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए हम रेट पर। सही, इसके प्राइस ये 32,000 की पड़ेगी। सही। इसके बाद फिर आपको ये सैलॉन में मशीन पड़ी हुई HP में मेरे पास। ये HP है जी। ये 4GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क है। सैलॉन सिक्स जनरेशन की मशीन है। 15.6 में HP स्लिम अल्ट्रा बुक कहलाती है। ठीक है, ये 4GB 500GB के साथ। सही। और इसका बैटरी बैकअप? ये बैटरी बैकअप भी कम से कम हमारा जो कमिटमेंट होता है वीडियोज़ के ऊपर वो 1 घंटे का होता है। कोई चाहे आप मुझसे 1 लाख रुपये का भी लैपटॉप ले लें, कमिटमेंट हमारा 1 घंटे का होता है। पर बैटरी इससे ज़्यादा चलती है, मतलब 2 घंटा 3 घंटा बैटरी आराम से निकल जाती है। ये आपको 28,000 रुपये की पड़ेगी। ये सैलॉन 6th जनरेशन कहलाती है। 27,000 रुपये की पड़ेगी। कंडीशन A+
बिल्कुल ए प्लस होगा इसका कंडीशन। बाकी अगर किसी को छोटे साइज में चाहिए होता है लैपटॉप, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह करना ही है या लेके घूमना है कैरियर वगैरह उनको आसानी चाहिए, तो ये हमारे पास ये छोटा लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, छोटा सा लैपटॉप है ये कहलाता है बेसिकली मिनी लैपटॉप कहलाता है। इसमें 2 GB रैम है, 80 GB हार्ड डिस्क है, इसमें 9 सेल बैटरी लगी हुई है। मतलब क्या 9 सेल बैटरी इसमें 3 सेल एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। सही, 6 सेल होती है, इसके बाद 9 सेल आती है, तो ये 3 सेल एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। सही, 9 सेल हाँ, इसमें बैकअप आपको और ज़्यादा मिलेगा। इसमें कस्टमर का फायदा होता है, हमारा फायदा नहीं है, ये आपको पड़ेगी 8,000 रुपये। सही, और ये है कौन सा कोड? ये कोड 22 कहलाती है। सही, मिनी में 2 GB रैम है, 80 GB हार्ड डिस्क। सही, इसके बाद भाई और दूसरे लैपटॉप दिखा अभी दिखाएंगे आपको, बिल्कुल दिखाएंगे। दूसरे लैपटॉप में मेरे पास फिर ये कोड 22 में 15.6, किसी को चाहिए होता है, किसी को बड़े साइज में चाहिए कोटोडू में 15.6 इंच की इसकी एलईडी है। इसमें 2 GB रैम है, 160 GB हार्ड डिस्क है, 2 GB रैम है, 160 GB हार्ड डिस्क, 10x10 इसकी कंडीशन है। ठीक है, ये आपको पड़ेगी 9,500 रुपये की। सही, इसमें 9 सेल बैटरी लगी हुई है, बैकअप भी अच्छा है इसका, DVD सुपर कॉम्बो लगा हुआ है, 2 GB 160 GB 2.2 इसका प्रोसेसर। सही है, इसके अलावा मैं आपको अगर किसी कस्टमर को जैसे बड़ी मशीनें चाहिए, या 5th जनरेशन चाहिए, 6th जनरेशन चाहिए, मेरे पास वो भी अवेलेबल है। सही, वो भी दिखा दिए, वो भी दिखा दूँगा मैं आपको। ये देखिए, ये i7 7th जनरेशन है, 8 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है इसके अंदर, ये भी ले लीजिएगा, 8 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है इसके अंदर, और फुल टच जी, ये स्लिम कहलाती है, स्लिम है ये, आपको पड़ेगी अपना 78,000 i7 7th जनरेशन है। मैं आपको दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, i7 7th जनरेशन है, टच स्क्रीन। सही, मशीन बहुत अच्छी है, फिर मैंने ये अब इस पर कपड़ा लगेगा तो ये 10x10 खुद ही होगी। सही, इसके अलावा मेरे पास 4th जनरेशन में पड़ा हुआ है, 4th जनरेशन भी दिखा दीजिए, ये 4i5 4th जनरेशन है, ये 4 GB रैम है, 320 GB इसकी हार्ड डिस्क है, ये HP का मॉडल कहलाता है, 640। सही, 4 GB 320 GB 4i5 4th जनरेशन, और 2.7 इसका प्रोसेसर है। भी आप इसको देते हैं, हम कपड़ा सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब जब वैसी बात है, ये मशीन पड़ी है, दिन भर टच करते रहती है। जी, ये आप मशीन प्राइस क्या बता रहे हैं? ये आपको पड़ेगी 45,000 की, 45,000 जी। i5 4th जनरेशन की मशीन है। स्क्रीन साइज क्या है? 14.5 इंच स्क्रीन है, 14.5 इंच की स्क्रीन है, तो ये आपको ये 14.5 इंच 45,000। और बैटरी बैकअप कम से कम मैंने आपको बताया ना, हमारा कोई सा भी आप लैपटॉप लेंगे तो कम से कम उसके ऊपर 2 से 2.5 घंटा आपको आराम से रहेगी, 1 घंटे का हमारा कमिटमेंट होता है वीडियोस के। प्राइस क्या बताएं? ये 45,000 की पड़ेगी, ये जो मैंने आपको दिखाई दी, ये 45,000 की पड़ेगी। इसमें हमारा रिटेल और होलसेल, होलसेल दोनों, रिटेल भी है, होलसेल भी है, दोनों हम लोग होलसेल भी करते हैं। हम लोग आपको क्वांटिटी में चाहिए होते हैं कोई भी सिस्टम, जैसे अगर कोई शॉप खोलना चाहे तो आपके पास? बिल्कुल, ऐसे आते हैं हमारे पास, कई लोग हैं जैसे एरिया में उनकी शॉप होती है तो वो आते हैं हमारे पास से सिस्टम वगैरह, लैपटॉप, LCDs वगैरह डील करके जाते हैं अपनी शॉप के लिए, हमसे वो लेकर जाते हैं होलसेल। सही, तो वो सारे ऑप्शन हमारे पास। बाहर चेक करो, बाहर भी आप देखें, आप इधर आए, जैसे देखिए आप, ये कोर i5 का सेकंड जनरेशन है, कोर i5 प्रो बुक कहलाता है, HP प्रो बुक। हाँ, HP प्रो बुक। 4 GB रैम है, 250 GB हार्ड डिस्क है, 2.5 इसका प्रोसेसर है, 4 GB रैम, 200 GB 250 GB हार्ड डिस्क, 2.5 इसका प्रोसेसर है। सही, HP प्रो बुक कहलाता है, मॉडल इसका लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लें आप। ये इसका भी बैटरी बैकअप वही है जो मैंने आपको बताया था, 1 से 1.5 घंटा। सही, हमारा कमिटमेंट है, 2-2.5 घंटा आपको आराम से दे देगी। ये 14.5 इंच है, ठीक है, ये 14.5 इंच है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जी। ये 27,000 का, 27,000। ये इसका 15.6 है, 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है। सही, इसमें 9 सेल बैटरी लगी हुई है। और ये कौन सी DDR? DDR3 की मशीन है सारी, ये सारी DDR3 की मशीन है, जो मैंने आपको कोटोडू बताए थे ना जी, जी जो मैंने कोटोडू दिखाए थे वो बेसिकली वो जो है कोटोडू, वो DDR2 की मशीन होती है जी जी। ये DDR3 की मशीन है, ये 15.6 है, 4 GB रैम है, 250 GB हार्ड डिस्क है, 9 सेल बैटरी है, 2.5 इसका प्रोसेसर है। ये अभी आपको पड़ेगी 30,500 जी। सही,
इसी ये डेल है, ये एचपी है, ये डेल है, ये थिंक पैड है, सही है। तो जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट सब में ये कौन से, ये सेकंड जनरेशन, ये भी सेकंड जनरेशन। इसके प्राइस वही है या चेंज है? ये 31,000 रुपये की, 31,000 रुपये जी, सही। ये अभी जो कंडीशन है, अभी जो मार्केट में अभी रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए ये कि अभी रेट बढ़ा हुआ है इसलिए क्योंकि अभी चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस है जी। पूरा एक साल हमको कोरोना में गुजर गया जी। हम सोच रहे थे कि रेट कम होगा, रेट कम नहीं हुआ, रेट कम इसलिए नहीं हुआ, रेट बढ़ गया जी। पीछे से माल नहीं आ रहा था, दुबई से माल नहीं आ रहा था जी। अगर जब अभी माल आने में टाइम लगेगा और ये रेट भी नीचे आएगा, अभी ये स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे, सारे स्कूल खुलेंगे, फिर ऑफिसेस में जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी ना वो सब पूरी हो गई। अब स्कूल खुल गए, ऐसी बात है, लैपटॉप को कम जी, अभी लैपटॉप का रेट कम होगा, अभी नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद लैपटॉप का रेट कम होगा, रेट नीचे आएगा। तो इंशाल्लाह हम जब कम आएगा तो हम कम भी बेचेंगे, सही। अभी अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो जी, तो हमारे लोग हैं, थोड़ा सा उनको बर्दाश्त करना चाहिए जी जी। वैसी बात है, अगर जब कम होगा तो हम कम में भी देंगे, सही है। तो साकिब भाई, जैसा मैं लास्ट टाइम आपकी शॉप का विजिट करता था, आपके पास लैपटॉप के बैग्स भी अवेलेबल थे? मेरे पास उस टाइम यूज़ में थे, अभी मेरे पास न्यू बैग आए हैं, अभी न्यू जी। मैं न्यू बैग आपको भी दिखा देता हूँ, न्यू बैग है मेरे पास, पड़े हैं बाहर के डेल कंपनी के, ये डेल के ओरिजिनल बैग है मेरे पास। जैसे ये 1200-1500 का बैग, हमारे को जब अपना लैपटॉप देते हैं तो उसको हम लोग 800 रुपये का बैग लगाते हैं। जब लैपटॉप के साथ अगर कोई लेगा तो 800 रुपये का अलग साथ, अगर कोई लैपटॉप के बगल अलग लेगा तो हम लोग उसको 1500 रुपये का लेंगे, अगर कोई अलग लेगा तो उसको 1500-1500 रुपये का लगता, सही। तो शाकिर भाई, आप अपनी शॉप का कार्ड भी दिखा दीजिए, कार्ड भी आपको दिखा देता हूँ, और आप मेरा पूरा एड्रेस भी आपने वीडियो में बना दीजिए, मेरा कार्ड तो गाइस, ये शाकिर भाई की शॉप का कार्ड है, कार्ड पे उन्होंने नंबर लिखे हुए हैं, शाकिर भाई और नुमान भाई के। और अगर आपको अपनी शॉप के लिए लेना हो तो शॉप के लिए भी आपको लार्ज में भी मिल जाएंगे और वैसे भी सिंगल में भी मिल जाएंगे। आप सिंगल में आपको होलसेल में चाहिए, रिटेल में चाहिए, तो सारे आपको लैपटॉप मिल जाएंगे। आप होलसेल में लेना चाहे, रिटेल में लेना चाहे, या अगर ऑनलाइन सिंगल में भी अगर कोई होलसेल मिल जाएगा। हम होलसेल का जो रेट है ना, हम रिटेल होलसेल हम एक ही रेट पे करते हैं, सही। हम लोग ये नहीं कि अगर होलसेल है तो वो ज़्यादा में करेंगे, अगर रिटेल है तो वो कम में करेंगे, एक जैसा सबको एक जैसा रेट देते हैं। जो चीज़ अभी मशीन का रेट चल रहा है, आगे टाइम में इंशाल्लाह हम लोग रेट कम करेंगे, हम लोग रेट बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कोटूड है तो उसका 1500 रुपये अगर बढ़ेंगे तो हम 1500 कम में बेचेंगे, सही। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इंशाल्लाह फिर रेट कम मिलेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।